गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कैसे इवोल्यूशन रिलेशनशिप ट्रेस करेंगे कि इवोल्यूशन रिलेशनशिप है कि नहीं है। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट देखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वुड बी सिमिलर बिकॉज दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। अगर इफ कॉमन एंसेस्टर से इनहेरिटेड है तो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होगा ही होगा। ओके, तो उसके लिए जैसे कि हम ले सकते हैं मामल्स में, मामल्स में कितना लिम्स है, 4 लिम्स है। बर्ड्स में भी है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियन, इन सब में 4 लिम्स है। हाइंड लिम्ब, 4 लिम्ब, दोनों मिलके टोटली 4 नंबर ऑफ लिम्ब है। ओके, सो उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिम्ब इज सिमिलर दो इट हैज बीन मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन वेरियस वर्टिब्रेट। देखो उनका जो लिम्ब है डिफरेंट फंक्शन के लिए वो मॉडिफाई हुआ है। ठीक है, तो उनका को क्या बोलते हैं हम, होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, लेकिन वो मॉडिफाई होके डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो यहाँ पर एग्जांपल है होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, देख रहे हो कि नहीं होमोलोगस ऑर्गन का, देखो ये सब भी फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड, ह्यूमन बींग। ठीक है, ये सब होमोलोगस ऑर्गन है, होमोलोगस ऑर्गन है, होमोलोगस ऑर्गन है। बेसिक स्ट्रक्चर इज सिमिलर लेकिन मॉडिफाई होके डिफरेंट फंक्शन में काम करते हैं। ठीक है, डिफरेंट फंक्शन है, स्ट्रक्चर इज सिमिलर बट फंक्शन इज डिफरेंट, स्ट्रक्चर इज सिमिलर बट फंक्शन इज डिफरेंट, हियर इज डिफरेंट, स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है, दैट इज आवर एनालोगस। जस्ट लुक एट द डायग्राम, दीज आर द एनालोगस ऑर्गन। स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, फंक्शन क्या है, सेम है, देन इट इज कॉल्ड इज एनालोगस ऑर्गन। देखो स्ट्रक्चर बर्ड का, दिस इज योर बेट का। ओके, सो बर्ड और बेट का स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन ये दोनों व्हाई दे आर यूजिंग कॉमन फंक्शन, मतलब फ्लाइंग के लिए यूज कर रहे हैं, सो इट इज एनालोगस ऑर्गन। ओके, सो एनालोगस समझ में आया। होमोलोगस क्या है, स्ट्रक्चर सिमिलर है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, देन इट इज कॉल्ड एज होमोलोगस ऑर्गन। बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है, देन इट इज कॉल्ड एज एनालोगस ऑर्गन। ओके, सो जैसे कि विंग्स ऑफ बर्ड्स और बेट्स देखेंगे तो विंग्स ऑफ बेट्स आर स्किन फोल्ड स्ट्रेच्ड मेनली बिटवीन इलोंगेटेड फिंगर्स के बीच में है, लेकिन विंग्स ऑफ बर्ड्स आर फीदरी कवरिंग ऑल अलोंग द आर्म, पूरा टोटली आर्म में कवरिंग है। सो डिजाइंस ऑफ द टू विंग्स, देयर स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स वेरी डिफरेंट, दे लुक सिमिलर बिकॉज दे आर कॉमनली यूज फॉर फ्लाइंग, फ्लाइंग के लिए यूज करते हैं, बट दे आर ओरिजिन आर नॉट कॉमन, सो दीज आर एनालोगस कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, देन कम्स टू फॉसिल। देखो फॉसिल के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। तो ऑर्गन के हम स्टडी किए, ऑर्गन स्ट्रक्चर है डन ओनली नॉट ओनली ऑन करेंट स्पेसिस के बारे में, बट ऑल्सो द ऑन स्पेसिस दैट आर नो लॉन्गर एलिव, अभी एलिव नहीं है, क्योंकि फॉसिल्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब दीज आर एक्सटिंक्ट स्पेसिस, एवर एग्जिस्टेड, वो एग्जिस्टेड हो रहे थे लेकिन अभी एक्सटिंक्ट है, दे आर नॉट प्रेजेंट नाउ। ओके, सो यूजली व्हेन ऑर्गेनिजम्स डाई, जो भी मर जाते हैं, दे आर बॉडीज विल डिकम्पोज और भी लॉस्ट, बॉडी डिकम्पोज हो सकता है या लॉस्ट हो सकता है। ओके, बट एवरी वंस इन ए व्हाइल द बॉडी और एटलीस्ट सम पार्ट्स हो मे बी इन ए एनवायरमेंट दैट डज नॉट लेट डिकम्पोज कम्प्लीटली, जो डिकम्पोज नहीं होता है। ओके, जैसे कि सोच लीजिए कि एक इंसेक्ट है, डेड इंसेक्ट, ठीक है, सो कॉट इन ए हॉट मोड में, ओ क्या हुआ, कट हो गया। फॉर एग्जाम्पल इट विल नॉट डिकम्पोज क्विकली एंड द मोड विल इवेंचुअली हार्डन एंड रिटेन द इम्प्रेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट। ऑल सच प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फॉसिल। सो उसको क्या बोलेंगे, व्हाट विल टेल इज फॉसिल। देखो डायग्राम देखो, फॉसिल से ट्री ट्रंक, इनवर्टिब्रेट का फॉसिल है, वर्टिब्रेट का फॉसिल है। ओके,
एंड दिस इज द फॉसिल्स ऑफ द निक्टिया फिश का फॉसिल है, डायनासोर का फॉसिल है। ओके हाउ डू नो दैट ओल्ड ऑफ द फॉसिल हम कैसे जानेंगे, ठीक है। तो एस्टिमेशन के लिए अर्थ और स्टैंड फाइंडिंग फॉसिल रिजर्वन सपोर्ट दैट फॉसिल्स वी फाइंड क्लोजर टू द सर्फेस आर मोर रिसेंट देन द फॉसिल। उसके लिए हम डेटिंग करते हैं, कार्बन डेटिंग क्या करेंगे, उसका आइसोटोप प्रेजेंट है, आइसोटोप कितना डिकम्पोज हुआ है उससे हमें पता चल जाएगा, कितना एज है फॉसिल का एज पता चल जाता है, ठीक है। फॉसिल का एज पता चल जाता है, देखो ये फॉसिल का लेयर बाय लेयर कैसे फॉर्मेशन हुआ है। 100 मिलियन से अरे गो सम इन्वर्टिब्रेट्स ऑन द सीबेड डाई एंड आर बोरिड ऑन द मड, मोर सेंड एक्यूमुलेट्स एंड सेंड स्टोन फॉर्म्स अंडर प्रेशर। देखो ऐसे इसके ऊपर ये जो है ये उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया है, डेथ हो गया था उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, ठीक है। उसके बाद उसका क्या हुआ, ये पहले देन उसके ऊपर ये उसके ऊपर फिर डिपॉजिट हुआ, इस तरह टाइप का फॉसिल फॉर्मेशन हुआ। ओके सो इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। ए क्वेश्चन दैट अराइज हियर, इफ कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स सच एज द आई आर सिलेक्टेड फॉर एडवांटेजेस दे प्रोवाइड, दे कैन बी जनरेटेड बाय सिंगल डीएनए चेंज में हो जाएगा। सियरली सच कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स विल बी क्रिएटेड बीट बाय बीट जनरेशन में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन फॉर्मेशन होगा, बट हाउ कैन ईच इंटरमीडिएट चेंज बी सिलेक्टेड फॉर, देयर आर ए नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, इवन एन इंटरमीडिएट स्टेज सच एज रूडिमेंटरी आई टू सी सम एक्सटेंट दिस माइट बी एनफ टू गिव फिटनेस एडवांटेज, इन फैक्ट आई लाइक विंग सीम्स टू बी वेरी पॉपुलर एडेप्टेशन, सो डज एन ऑक्टोपस हमारा वर्टिब्रेट्स, ओके एंड दी स्ट्रक्चर ऑफ दी आई इन ईच ऑफ दिच ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट एनफ फॉर देम टू हैव सेपरेट इवोल्यूशनरी ऑर्गेनिजम। ओके ऑल्सो चेंज दैट इज यूजफुल, जो यूजफुल चेंज है फॉर वन प्रॉपर्टी टू स्टार्ट विथ कैन बिकम यूजफुल लेटर फॉर ए क्विक डिफरेंट फंक्शन के लिए। फिदर जैसे हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल कैन स्टार्ट आउट जो प्रोवाइडिंग इंसुलेशन के लिए कोल्ड वेदर से, लेकिन बट लेट में क्या हुआ, फ्लाइट के लिए यूज हुआ, ठीक है। इनफैक्ट सम डायनासोर का भी फिदर था, ऑल दो दे कुड नॉट फ्लाई, वो फ्लाई नहीं कर सकते लेकिन था, बट सी टू हिम लेटर अडेप्टेड टू फ्लाइट। दिस ऑफ कोर्स मीन्स दैट बर्ड्स आर वेरी क्लोज रिलेटेड टू रेप्टाइल्स, ठीक है, सिंस डायनासोर्स वेर रेप्टाइल्स। ओके दैट मीन्स जो तैयारी हुआ था वो बाद में हमारे यूज में आता है। ऑल्सो चेंज दैट इज यूजफुल इन वन प्रॉपर्टी स्टार्ट विथ कैन बी यूजफुल फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए हो सकता है। ओके नेक्स्ट चलेंगे। इट इज वेरी वेल टू से दैट वेरी डिसिमिलर लुकिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्ट्रल डिजाइन, ठीक है, बट दोज आर गेसेस अबाउट व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, आर दे एनी करेंट एग्जाम्पल, देखेंगे डायग्राम के साथ डिस्कशन करेंगे। जैसे कि लिए दी इवोल्यूशन ऑफ वाइल्ड केबेज, ओके उसको वाइल्ड केबेज देखो, वाइल्ड केबेज इसी टाइप का था हमारे मतलब प्रिमिटिव स्टेज में, लेकिन उसका यूज के साथ कैसे डिफरेंट हो गया, देखो ये है कलरा भी है, कॉलीफ्लावर है, ठीक है, देन दिस इज ब्रोकोली, केबेज है, रेड केबेज है, देन कैल है, तो ये सभी वाइल्ड केबेज से ही तैयारी हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। ओके डायग्राम देख लिए, फिर देखो सो से दैट वेरी डिसिमिलर लुकिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व होता है फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्रल डिजाइन से, सो इट इज ट्रू दैट एनालिसिस ऑफ द ऑर्गन स्ट्रक्चर इन फॉसिल अलाउज अस टू मेक एस्टिमेट्स हाउ फार बैक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप गो करते, बट दोज आर गेसेस अबाउट व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री,
आर देयर करेंट एग्जाम्पल द वाइल्ड केबेज प्लांट, जैसे मैं तुमको डायग्राम दिखा हूँ, देखो ह्यूमन से ओवर मोर देन 2000 ईयर्स क्या कर रहा था, कल्टिवेट कर रहा था वाइल्ड केबेज फूड प्लांट के लिए एंड जनरेटेड डिफरेंट वेजिटेबल फॉर्म्स बाय सिलेक्शन, सिलेक्शन से डिफरेंट और तैयारी किए। दिस इज ऑफ कोर्स किसके लिए है ना, आर्टिफिशियल सिलेक्शन रेदर देन नेचुरल सिलेक्शन। सो सम फार्मर्स हैव वांटेड टू सिलेक्ट फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द लीव्स एंड हैव ब्रेड द केबेज व्हीट। सम हैव वांटेड टू सिलेक्ट फॉर द एरेस्टेड फ्लावर डेवलपमेंट किए एंड हैव ब्रेड ब्रोकोली और फॉर स्टेराइल फ्लावर मेड कोली फ्लावर। सम हैव सिलेक्टेड फॉर सोलन पार्ट्स एंड कम ऑफ विथ कोलरा भी। सम हैव सिंपली लुक फॉर स्लाइटली लार्ज लीव्स दे कम ऑफ विथ लीफी वेजिटेबल लाइक केल। देन वुड वी हैव थ्रो ऑल दीज स्ट्रक्चर आर डिसेंडेड फ्रॉम सेम एंसेस्टर, सेम एंसेस्टर से ये सभी प्रोडक्शन हुआ। ओके देन एनदर वे ऑफ ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल आइडिया दैट वी स्टार्टेड विथ। द आइडिया क्या है, डीएनए चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, रिप्रोडक्शन जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये बेसिक इवेंट्स है इवोल्यूशन के लिए। ओके इन दैट इफ दैट इज द केस देन कंपेयरिंग द डीएनए ऑफ डिफरेंट स्पेसीज शुड गिव अस ए डायरेक्ट एस्टिमेट ऑफ हाउ मच डीएनए है चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्पेसीज। द मेथड इज एक्सटेंडली यू टू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए यूज होता है। ओके ओके थैंक यू, ये सब डायग्राम बनाओ मुझे सेंड करो। ओके थैंक यू।